अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन कौरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने मटन कौरमे की रेसिपी शेयर की थी जो लोगों ने बहुत पसंद की है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे जरूर चेक कर लें। आइए देखते हैं कि चिकन कौरमा कैसे बनता है। चिकन कोरमा बनाने के लिए हमने 1 kg चिकन लिया है, जिसे हमने पानी में भिगो दिया था और इसमें 1 teaspoon हमने विनेगर डाल दिया था। इससे सारा ब्लड निकल जाता है और ये बिल्कुल साफ हो जाता है। आप मटन को भी इसी तरह भिगो सकती हैं। हमने 5 to 6 teaspoon हमने धनिया पाउडर लिया है, 2 teaspoon हमने लाल मिर्च पाउडर ली है, 3 हमने अनियन ली थी जो हमने पहले से ही ब्राउन करके क्रश करके रख ली थी। इसके अलावा हमने थोड़ी सी कटी हुई अदरक ली है, 1 teaspoon हमने लहसुन पेस्ट लिया है, 1 teaspoon हमने काली मिर्च जीरा लिया है, 1/2 teaspoon हमने बड़ी इलायची के बीज पीस लिए हैं, 6 हमने इलायची ली है, 6 ही लौंगे ली हैं, नमक हमने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, इसके अलावा हमने 500 ग्राम दही लिया है और केवड़ा लिया है। सबसे पहले हम अपने चिकन को 1 teaspoon लहसुन पेस्ट में 5 से 7 मिनट तक इसे सोटे करेंगे। इसे हमें गलाना नहीं है, सिर्फ हमें लहसुन में भूनना है ताकि हमारी चिकन की स्मेल जाती रहे। अब हम एक अलग बॉल में अपने दही के साथ धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, काली मिर्च जीरा, लौंग इलायची और कटी हुई अदरक, इसी के साथ हम अपना नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने बड़ी इलायची के बीज इसमें नहीं मिलाए हैं, ये हमें एंड में डालने हैं। हमने वही घी लिया है जिसमें हमने अपनी प्याज ब्राउन की थी। अब हम इसमें अपना सारा मसाला डाल देंगे जो हमने दही में मिलाया था। ये मसाले हमने दही में इसलिए मिलाए हैं, अगर हम खाली मसाला घी में डालेंगे तो मसाले जल जाते हैं, दही के साथ मसाला नहीं जलते। हमें अपने मसाले को जब तक भूनना है जब तक इसका घी इससे अलग नहीं हो जाता। आप इस मसाले की बहुत अच्छी तरह भुनाई करें। हमने इसे घी में पकाया, आप इसे तेल में भी पका सकती हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। हमें इसे 2-3 बार पानी डाल डालकर भूनना है। आधा आधा गिलास पानी हम 2 या 3 बार डालेंगे। पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा मसाला जल नहीं जाए। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 1 teaspoon केवड़ा डाल देंगे। केवड़ा हम इसलिए बीच में डालते हैं ताकि केवड़े का कच्चापन जो है वो ग्रेवी में नहीं रह जाए। हमारा मसाला एक बार भून गया है, अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी डालकर 2 से 3 बार तक भूनेंगे ताकि इसमें कच्चापन नहीं रह जाए। इसे अच्छे से भूनना है। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, इसे हमने 3 बार पानी डाल डालकर भूना है। हमारा मसाला दानेदार बन गया है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे जो हमने पहले से ही लहसुन पेस्ट में सोटे करके रख लिया था। चिकन को मसाले में 5 मिनट भूनने के बाद हमें इसमें अपनी ब्राउन प्याज डालनी है। अब हमें अपने चिकन को उस वक्त तक पकाना है जब तक हमारा चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। हम अपने चिकन को विदाउट विसल पका रहे हैं। आप इसमें अगर आपको जल्दी हो तो आप इसमें 2 से 3 विसल लगा सकती हैं 1 गिलास पानी डालकर।
ब्राउन पैच के साथ 5 मिनट चिकन को भूनने के बाद आप इसमें आधा गिलास पानी डाल दें इसे गलाने के लिए। हमारा चिकन गलकर तैयार हो गया है। कभी कभी हमारे ग्रेवी में नमक तेज हो जाता है, हमें इस नमक हल्का करने के लिए हमें इसमें दूध की मलाई फेंटकर डाल देनी चाहिए, नमक ठीक हो जाता है। और कभी हमसे मिर्ची भी तेज हो जाती है तो हम इसमें थोड़ी सी दही डाल देंगे तो वो मिर्ची हल्की हो जाएंगी। जब हमारा चिकन पूरी तरह गल जाए तो हमने 1/2 टीस्पून जो बड़ी इलायची के बीज लिए थे वो डाल देंगे। हम अपने इंग्रेडिएंट्स में आपको आमचूर पाउडर बताना भूल गए थे, आप इसमें 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल सकती हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे जायका अच्छा हो जाता है। कोरमे की ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रखें, अगर आपको पतली पसंद है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पका सकती हैं। हमारा चिकन कोरमा रेडी है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार हो गया है, ये बहुत टेस्टी बना है, आप इसे जरूर बनाकर देखें क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप बनाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसी है। आप प्लीज जरूर बनाएं, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।